वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपका 2025 कैसा गुजरने वाला है। बहुत सारे लोग हैं ना 2024 अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं मुझे कि 2025 में क्या उन लोगों के भाग्य में कुछ अच्छा है या फिर नहीं, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा या फिर नहीं, जो वो लोग चाहते हैं, जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल, कुछ ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए क्या 2025 में आप लकी रहोगे या फिर नहीं। तो आज हम यही चेक करने वाले हैं 2025 का रीडिंग करके। पूरे ओवरऑल आपको यहाँ पर अपना करियर, अपना लव लाइफ, अपना हेल्थ, अपना फैमिली, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पर दो पाइल हैं, इनमें से किसी एक पाइल को चूज़ कर लेना है। ओके, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने का हो सकता है, 1 से लेकर 15 तारीख के अंदर आ रहा है तो आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 16 से 31 के अंदर अगर आ रहा है तो आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। फाइन, सो अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप कार्ड्स को इंडिविजुअली भी चूज़ कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पेंटिकल्स के कार्ड को चूज़ करना चाहिए या फिर कप्स के कार्ड को, तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा इस टाइम पर शांत करना पड़ेगा, अपने आँखें को बंद करना पड़ेगा, एंड गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे से ना आँखें को खोलना पड़ेगा। एंड उस टाइम पर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, चूज़ कर लीजिए। ओके, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो पाइल को। सो वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट हैंड का लिंक भी मिल जाएगा, लव विथ यूनिवर्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका जो जन्म का तारीख है वो 1 से लेकर 15 तारीख के अंदर आ रहा है, किसी भी महीने का हो सकता है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस एंटर करने वाला है। मटेरियलिस्टिक साइड से आपके पास बहुत सारा सक्सेस आते हुए दिखेंगे आपको। आप एकदम से पूरे 2025 में ना बैलेंस्ड रहोगे, स्टेबल रहोगे, ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, पॉजिटिव रहें। एक कार्ड उछल कर बाहर आ चुका है, यहाँ पर द हैंग्ड मैन है। ओके, डेथ। फाइन, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कार्ड्स को अच्छे से बता दूंगी। देखो, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका जो ये 2024 है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक गुजर रहा है। आप एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं आउटकम नहीं आ रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आ रहा है आपके काम का। आप किसी जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस जगह से फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना उलझे हुए रह जा रहे हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आपके सराउंडिंग में चीज़ें स्लोली मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन में स्टक होते जा रहे हो, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। 2024 का ये जो हैंग्ड वाला सिचुएशन है, ये 2025 आते आते ना एकदम से कट हो जाएगा। ओके, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी ये बताता है कि आप बहुत स्पीड के साथ मूव करने वाले हो, आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उस तरफ ना बहुत फास्ट मूव करने वाले हो। आपके सराउंडिंग्स की चीज़ें आपको उस टाइम पर ना एकदम से थमा हुआ नहीं दिखाई देगा, एकदम से स्लोली मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपके सामने आपका गोल टारगेट क्लियर रहेगा, आपका विजन क्लियर रहेगा, आपको क्या करना है आपको इस चीज़ के बारे में पता रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप स्टक बनते जा रहे हो। 2025 में यहाँ पर कोई भी स्टकनेस मुझे नहीं दिख रही है। 2025 जस्ट पढ़ते ही आपका लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ चीज़ें एंड हो जाएगा, जो कि हैंग्ड मैन बता रहा है या फिर दर्शा रहा है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान दिख रही है मुझे आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आप लोगों को जितना हेल्प करोगे उतना ही हेल्प आपको वापस मिलने वाला है। इस टाइम पर आप जितना एफर्ट डालोगे 2025 में, जहाँ पर भी डालोगे उस तरफ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट, उतना अमाउंट ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट मेहनत करते जा रहे हो एंड फल नहीं मिल रहा है आपको। 2025 बहुत हद तक अच्छी दिख रही है मुझे आपके लिए। इस टाइम पर बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी आपको मिलने वाले हैं 2025 में।
यहाँ पर ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेबिलिटी की बात करता है, साथ में अच्छा पार्टनरशिप की बात करता है। बिजनेस के साइड से अगर आप जॉब करते हो तो उस तरफ से भी एक इंक्रीमेंट की बात करता है। तो ओवरऑल मुझे गुल मिला के दिख रही है कि आप जैसा एफर्ट डालोगे अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी फैमिली के ऊपर, कहीं पर भी वैसा ही रिजल्ट आपको इस टाइम पर दिखाई देने वाला है। ओके, कर्मा यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे 2025 में। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, फाइन। क्वीन ऑफ वांड्स का जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने की बात करता है, विश कम ट्रू की बात करता है। मतलब कि कुछ ऐसा विश आपका पूरा होने वाला है 2025 में, हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो या फिर बहुत सालों से वेट कर रहे हो। आपके पास ये चीज़ ना अनएक्सपेक्टेड वे में आती हुई दिख रही है। ये जो खुशी है चेहरे में आप देख सकते हो। ओके, अचानक से कुछ चीज़ें जो आपको अजीज़ हैं, मिलने पर जो रिएक्शन होता है यही यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, एंड ये जो फेस का रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं आपके फेस पर आने वाला है 2025 में। सो कोई बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा टारगेट दिख रही है मुझे, आप अचीव करने वाले हो, हिट करने वाले हो। एंड फोर ऑफ कप्स के दौरान दिख रही है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से ना संतुष्ट नहीं होने वाले हो, आपको और ज़्यादा चाहिए होगा, या फिर जो चीज़ें जैसे आपको मिलने वाला है या फिर जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरफ से चीज़ें आपको ना मिले, ये एक चीज़ दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि वे सेम ना हो, उस टाइम के अंदर ना मिले जिस टाइम के अंदर आपने सोचा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं। देखो, इंसान का ना एक ख्वाहिश नहीं होता है या फिर एक ड्रीम नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से कोई एक मेन ड्रीम होता है जो कहीं ना कहीं आपका पूरा होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में। एंड बाकी जो चीज़ें आपको अचीव करना था वो कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिख रही हैं, बट डिफरेंट वे में। फाइन, सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पेज ऑफ वांड्स। वाओ, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग दर्शाया जा रहा है पेज ऑफ वांड्स के थ्रू। जो न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में लाना चाहते थे, जो चेंजेस आप बहुत टाइम से लाने के लिए वेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हो सकता है डेली शेड्यूल में आप बदलाव चाहते थे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, आपका जो पंक्चुअलिटी है ना वो नष्ट हो रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में लैक करते फिर रहे थे, ऐसे चीज़ों के लिए मुझे दिख रही है कि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ बदलाव आपके अंदर आ जाए, कुछ बदलाव आपके सराउंडिंग में आ जाए। ऐसे में यही दिख रही है कि आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप कुछ बदलाव चाहते थे, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते थे, तो जो आप चाहते थे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपके लाइफ में बदलता हुआ आप देख पाओगे। ओके, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए 2025 बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। इस टाइम पर आपका कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, एंड साथ में बहुत सारे डील आप क्रैक करते हुए दिख रहे हो। साथ में बहुत सारे लोग ना इस टाइम पर आपको फॉलो भी करने वाले हैं, वो चाहे आप ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस करते हो, ऑफलाइन के थ्रू बिजनेस करते हो, नो मैटर, कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपके पीछे लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, आपको आइडियल मानते हुए दिख रहे हैं। फाइन, तो इस टाइम पर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम भी करते हुए दिख रहे हैं, आपकी बात सुनते हुए दिख रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी में आप जाने वाले हो 2025 में। एंड दिख रही है मुझे कि आप 2025 में वही काम करने वाले हो जिससे आपको खुशी मिलता है, आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है। मतलब कि काम करके ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये काम आपको अच्छा नहीं लग रहा, या फिर जोर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ऐसा दिख नहीं रही है। ओके, एंड यहाँ पर जस्टिस है। वाओ, तो देखो 2025 में आपके साथ जस्टिस होती हुई दिख रही है, मतलब कि आपकी कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है, आपके कुछ अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपके लाइफ में बैलेंस स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से खर्चा करते जा रहे थे, मतलब कि 2024 में अगर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो 2025 में आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 2024 में, तो वो चीज़ें एकदम से बैलेंस्ड होता हुआ दिखेगा 2025 में। मतलब कि हेल्थ रिलेटेड मामले में भी हीलिंग आती हुई दिख रही है, अगर मन का कुछ खरोच था तो उस साइड से भी यहाँ पर हीलिंग आती हुई दिख रही है। ओके, सो यस, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से जस्टिस का मांग करते फिर रहे थे डिवाइन के सामने, तो यस उस तरफ से भी यहाँ पर आपके पास जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं और क्या क्या मिलने वाला है 2025 में आपको। ओके, दो कार्ड एकदम से उछल कर बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर है लीडरशिप, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, एंड पेशेंस। ओके, देखो लीडरशिप
आ रही है 2025 में आपके अंदर, मतलब कि सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहां पर लोग आपको लीडर बना लेंगे। पॉलिटिक्स में अगर आप हो तो पदोन्नति की एक चांस दिख रही है बहुत अच्छे खासे तरीके से। एंड पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंस भी आती हुई दिख रही है। अगर आप इस टाइम पर इम्पेशेंस हो बहुत ज़्यादा, 2024 में किसी भी काम को करने के लिए रशिंग एनर्जी में दौड़ रहे हो, या फिर आपके अंदर एकदम से पेशेंस आप नहीं देख पा रहे हो, तो यस 2025 में आपके पास पेशेंस आने वाला है। एंड यहाँ पर है इल्यूमिनेशन, वाओ डेफिनेटली आपके भाग्य में उजाला होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि डिवाइन प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। इस टाइम पर कोई भी इंसान आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा, फाइन। सो कहीं ना कहीं हर एक साइड में ना आपको लाइट नज़र आएगा। अगर आपका जो लाइफ है वो 2024 में अंधेरे से घिरा हुआ है, तो 2025 में आपको बहुत सारा लाइट, बहुत सारा खुशी, बहुत सारा ब्लेसिंग्स देखने को मिल जाएगा, अनुभव करने को मिल जाएगा। सो थैंक यू पायल नंबर वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका जो जन्म का तारीख है वो 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में आ रहा है, किसी भी मंथ का हो सकता है, या फिर 10 ऑफ कप्स के कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, आपने अट्रैक्टेड फील किया है, तो आपके लिए है पायल नंबर टू, फाइन। सो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि 2025 में आपके लाइफ में रोमांस क्रिएट होने वाला है, खुशियाँ आने वाला है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपका सोलमेट एंटर करने वाला है। एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपका शादी डेफिनेटली तय होने वाला है, शादी हो जाएगा 2025 में, ओके। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। अगर घर में परेशानियाँ चल रहा है तो उस साइड से दिख रही है कि घर में एक बहुत अच्छा माहौल रहेगा 2025 में, पूरे साल में घर का माहौल आपको बहुत पीसफुल नज़र आएगा, सेलिब्रेटिंग वाला नज़र आएगा। एंड साथ में आपके लाइफ में ना पीस, खुशियाँ, शांति, ब्लेसिंग सेंटर करता हुआ दिख रहा है, ओके। मुझे ज़्यादातर लव रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग नज़र आ रहा है गाइस, ओके। जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, लव लाइफ के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी बनने वाले हो 2025 में, ओके। सो यस, वो चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना बिलोंग कर रहे हो लव लाइफ के साइड से, नो मैटर, मतलब कि सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओके। सो यस, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट यहाँ पर है द वर्ल्ड, वाओ। एंड यहाँ पर द लवर्स, देखो मैंने आपको बताया ना कि 2025 डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक गुजरने वाला है, आपके लाइफ में लव, रोमांस, खुशियाँ एंड साथ में हारमनी डेफिनेटली क्रिएट होने वाला है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लव लाइफ के साइड से जैसा भी सिचुएशन चल रहा है आपका, या फिर 2024 में जैसा भी चलेगा, 2025 आपके लव लाइफ में एक धमाल लेकर आने वाला है, एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बिग सरप्राइज़ लेकर आने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हो सकता है 2024 में आप कुछ चीज़ों को लेकर जगल करो कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर किस इंसान को चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर एक जगलिंग सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है 2024 में आप कहीं पर घूमने भी जाना चाहो, किसी के साथ हो सकता है, अकेला हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये जो ख्वाहिश है ना आपका अधूरा होता हुआ दिख रहा है 2024 के लिए, बट ये चीज़ें पूरा होने वाला है 2025 में। लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को चाहते हो, प्यार करते हो, बट उस इंसान से ना शादी नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप सिंगल हो, आप अच्छा पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे हो, या फिर शादीशुदा लाइफ तो है बट डिस्टेंस क्रिएट होकर रखा है मन का। ऐसे में भी आप अपने लव लाइफ में रोमांस चाहते हो, प्यार चाहते हो, तो ये चीज़ भी आपको 2025 में मिलने वाला है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के दौरान दिख रही है 2024 में आप बहुत हद तक मेहनत करने वाले हो, बिजी रहने वाले हो अपने करियर को लेकर, जहाँ पर भी एफर्ट डालोगे अपना 100% देने वाले हो, एंड उसका ही फल आपको 2025 में जाकर मिल जाएगा। देख लेते हैं और डिटेल में थोड़ा सा, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो उस साइड से भी दिख रही हैं कि 2025 में आप जाने वाले हो। यहाँ पर हैं द एम्परर, डेफिनेटली आपके पास पावर पोटेंशियल आती हुई दिख रही हैं 2025 में।
कुछ चीज़ों का स्टार्टअप आप खड़ा करने वाले हो, कुछ चीज़ें आप नया शुरू करने वाले हो, बिज़नेस के साइड से हो सकता है, कोई नया नौकरी ज्वाइन कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पोजीशन मतलब कि जो पोजीशन में आप नौकरी करोगे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से नौकरी के लिए एग्ज़ाम देते फिर रहे हो ना, तो ऐसे में दिख रही है आपका नौकरी भी लग जाएगा 2025 आते आते। ओके, पावर पोटेंशियल डेफिनेटली आपके पास एग्जिस्ट करेगा 2025 में, एंड एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे कि अपना सद्बुद्ध खो देंगे। फाइन, तो ये चीज़ दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर आपके सामने वाले लोग एकदम से कॉन्फिडेंस लूज करते हुए दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स फिर से, डेफिनेटली आप अपना मेहनत बंद नहीं करने वाले हो 2025 में भी, आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो सिमिलर वे में, क्योंकि आप मेहनत करते जाओगे आपको फल मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चीट कर रहे हो या फिर शॉर्टकट में कुछ चीज़ें अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रही है इस फाइल के लिए। आप लोग मेहनती इंसान हो, मेहनत करना पसंद करते हो, एंड अकॉर्डिंग टू योर मेहनत डेफिनेटली आपके पास जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, आपके मेहनत का फल भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक बदलाव चाहते हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, तो वही न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है 2025 में। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए चीज़ें डिफर ज़रूर करेगा, सो ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से आ जाए, कुछ लोगों का शादी तय हो जाए, कुछ लोगों का बच्चा आ जाए, मतलब कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, पेरेंट्स बनने के लिए वेट कर रहे हो, तो उस साइड से भी एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही है कि आप जिस साइड से भी मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से करते आ रहे हो कि आपके लाइफ में ये चेंजेस आपको देखना है, सो डेफिनेटली 2025 में आपको ये चेंजेस दिखाई देगा। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अच्छा पार्टनर चाहते हो, तो उस साइड से भी मुझे दिख रही है कि यस, सोलमेट ट्वाइन फ्लेम आने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं द चैरियट। डेफिनेटली मुझे दिख रही है कि अभी तक हो सकता है आप गलत पैथ पे जा रहे हो, या फिर गलत संघ में हो, या फिर गलत इंसान को चूज़ कर बैठे हो। 2024 में हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सही से नहीं चल रहा, या फिर चलने नहीं वाला है, क्योंकि आप ये रीडिंग 2024 में ही दिखने वाले हो। ओके, तो 2025 में आप सही रास्ता पकड़ते हुए दिख रहे हो। अगर आप सही से रास्ता नहीं भी पकड़ोगे तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी आपको दिख रही है ये डिवाइन है। ओके, आपको इस टाइम पर आपको 2025 में कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो होगा डिवाइन के दौरान अपने आप होता दिखाई देगा आपको। ओके, आपके अंडर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ये एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है मुझे। एंड आप 2025 में ना बहुत ज़्यादा अपने फाइव इंद्रियस के ऊपर काम भी करने वाले हो, एंड द डेविल डेफिनेटली आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड फील करने वाले हो। फिजिकल अट्रैक्शन एक दिख रही है, कुछ लोग तो इंटीमेट कनेक्शन में भी जाने वाले हैं 2025 में। आप कुछ चीज़ों को लेकर ओवर पोजिस्ड या फिर ओवर करते हुए दिख रहे हो। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो जी जान से। अगर आप किसी को प्यार करोगे तो टूट कर प्यार करते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगा तो उस चीज़ के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, ये एक चीज़ दिख रही है। इतना ज़्यादा पैशन आपके अंदर रहेगा 2025 में कि क्या बताऊँ। ओके, एंड और एक चीज़ दिख रही है कि इस टाइम पर कुछ लोग आपके काम में बाधाएं डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। आपके सराउंडिंग्स में कुछ गलत लोग इस टाइम पर आपके पैथ को गलत करने की कोशिश करेंगे, बट डिवाइन है, डोंट वरी, डिवाइन के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड देख लेते हैं कि 2025 के लिए क्या मिल रहा है आपको, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस देख लेते हैं एक्चुअल में क्या मिलने वाला है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली, अगर आप बार बार पीछे की तरफ देख रहे हो, पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, या फिर पास्ट के पर्सन ने क्या किया आपके साथ, या फिर पास्ट में कितना ज़्यादा दुख सहा है आपने, पास्ट को बार बार अगर घूम घूम के देख रहे हो, तो ये चीज़ अब बंद कर दो, क्योंकि 2025 से ना आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने इतना अच्छा नज़ारा रहेगा। सामने ये जो अनलिमिटेड खुशियाँ है ना, ये आपको पुकारेगा। आपको इस टाइम पर पीछे देखने का मौका नहीं मिलेगा, इच्छा भी नहीं होगा, ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, सो आपके सामने बहुत बहुत सारे रास्ते ओपन होने वाले हैं एक साथ, जो कि आपके भाग्य को बदलने के लिए काफ़ी रहेगा। एंड सक्सेस डेफिनेटली, हर एक साइड से आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है, विक्ट्री आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें अगर आप अचीव करना चाहते हो तो यस, अचीवमेंट यहाँ पर 2025 के लिए वेट कर रही है आपके लाइफ में।
ओके। एंड इस टाइम पर ये जो पावर है, ये पोटेंशियल है, डेफिनेटली आपके पास रहेगा इस चीज़ के दौरान। एंड दिख रही है मुझे कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में जिसके दौरान 2025 ना बहुत बहुत ज़्यादा अलग गुजरने वाला है। आपको ये 2025 बहुत सालों तक याद रह जाएगा, मेमोरेबल हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा खुशी आपको प्राप्त होने वाला है। चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में, ये चेंज हो सकता है आपने कभी नहीं देखा है, ऐसा चेंज, ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा, या फिर ऐसा सिचुएशंस आपको कभी महसूस करने को नहीं मिला है, ये एक चीज़ दिख रही है। कुछ बहुत अच्छा, बहुत अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रही हैं। एक चेंज आ रही है आपके लाइफ में 2025 में। सो इस चेंज को ना आपको पॉजिटिव वे में पुकारना है, एक्सेप्ट करना है, आने देना है अपने लाइफ में, ओके। एंड अगर मैं हेल्थ रिलेटेड मामलों के लिए बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ हेल्थ इशू नहीं दिख रही है 2025 के लिए, क्योंकि ओवरऑल आप खुश रहोगे, आपका दिल खुश रहेगा। एंड दिल खुश होते ही ना शरीर जो होता है वो अपने आप खुश हो जाता है एंड अच्छा हो जाता है, हीलिंग की तरफ चला जाता है। सो डोंट वरी, वैसा बड़ा कुछ मुझे नहीं दिख रही है। सो यस, थैंक यू पायल नंबर टू, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग पॉइंट तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही आपका 2025 का रीडिंग है। बाय।